बिहेवियर इकोलॉजी में आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा बिहेवियर शो करता है जिससे अदर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो। आई रिपीट कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक इस तरह का बेनिफिशियल बिहेवियर शो करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे इसके लिए उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। मतलब ये तो काफ़ी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है नेचुरल सेशन को। उसमें तो ये था कि जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, बट इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें तो किसी और के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर सकते हैं। मतलब एल्ट्रुइज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट देने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि वो उनकी जान भी जाए तो चलेगा उनको, बट वो इस बिहेवियर को शो करेंगे। ठीक है, रिड्यूस इट्स ओन फिटनेस, मतलब अपनी फिटनेस को दांव पे लगा के वो उसको बचाएंगे। मतलब इनके जो बेस्ट एग्जांपल है वो वर्वेट मंकीज़ हैं एंड वेम्पायर बैट्स हैं। मतलब वर्वेट मंकीज़ क्या होते हैं कि ग्रुपिज्म में रहते हैं, ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन उनमें से जो एक मंकी होगा वो उनकी टेरिटरी के बाहर पहरा देगा, कि जैसे ही कोई प्रेडेटर आएगा तो वो एक अलार्म कॉल सिग्नल दे देगा, एक अलार्म कॉल दे देगा। उससे क्या होगा, उनकी जो बाकी की जो पॉपुलेशन है ना वो क्या भाग जाएगी, सेफ हो जाएगी। लेकिन बदले में वो वाला क्या हुआ जो पहरेदारी कर रहा था, वो तो गया, प्रेडेटर तो हंट कर लेगा। लेकिन फिर भी वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं ताकि उसकी जो प्रोजेनी है मंकीज़ की, वो वाली, वो आगे बढ़े, आगे ग्रो करें। ठीक है, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो आगे ग्रो कर सके, उसके जो जीन्स हैं वो आगे पास होते रहें, वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं उसके लिए, उसको सबको बचाने के लिए, मेम्बर्स को। ठीक है, उसी तरह वैम्पायर बैट्स हैं, ये क्या करते हैं कि अगर इनके जो बाकी साथी जो वैम्पायर्स हैं वो अगर भूखे हैं तो जो वैम्पायर है उनमें से कोई भी मेम्बर उन भूखे वैम्पायर को खून, जो कि वो ब्लड होता है, वो देगा, रीएजिटेट करता है, मतलब उल्टी कर देगा उसके मुंह में, ताकि उसके अंदर का खून भी उससे ही मिल जाए। इस चक्कर में जो उन्हें खून दे रहा है बेबी वैम्पायर को, तो वो तो मर जाएगा, लेकिन बेबी वैम्पायर का क्या हुआ, तो बच जाएगा। ठीक है, वो तो बच गया। तो इस तरह के जो ये बिहेवियर है ना, ये अल्ट्रुइज्म में आते हैं कि अपनी जान की चिंता किए बिना अपने साथियों को बचा देना। ठीक है, इसी तरह एक और इससे ही मिलता जुलता रिलेवेंट एक और सिलेक्शन आता है, किन सिलेक्शन। किन का मतलब है क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कि जो इनके क्लोज रिलेशन में होते हैं ना, जो इनके क्लोज रिलेशन में होते हैं वो उनके प्रति अपना किन सिलेक्शन शो करते हैं। जैसे हनी बीज है, हनी बीज में आपको पता है कि एक मेल होती है, सॉरी मेल होता है, फीमेल होती है, और एक और होते हैं वर्कर्स। जो फीमेल है उसका काम होता है एग देने का, और वर्कर्स क्या करते हैं, इसके जीवन भर सेवा करते हैं, इसके लिए वो अपनी फर्टिलिटी भी लूज कर सकते हैं। मतलब वर्कर्स अपनी फर्टिलिटी लूज कर देंगे अपनी रानी के एग्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एक क्लोज रिलेशन बताया गया है कि अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी रानी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए वो अपनी फर्टिलिटी तक भी लूज कर रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, जान नहीं दे रहे हैं अपनी, हाँ, लेकिन अपना एक फीचर वो लूज कर देते हैं। किन सिलेक्शन में, एल्ट्रुइज्म में तो वो अपनी जान भी दे देते हैं, बट किन में क्या होता है वो जान वगैरह नहीं देता है, वो अपने कैरेक्टर्स को भी लूज़ कर देते हैं अपने आगे के रिलेटिव्स को बचाने के लिए, रानी के एक्स को बचाने के लिए वो अपनी फर्टिलिटी भी लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंसेक्ट्स, ये क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुपिज्म में रहते हैं, ये साथ साथ ही रहते हैं, झुंड में काम करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव ब्रूड कैम इंक्लूडिंग केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, मतलब कि ये एक साथ रहेंगे और एक दूसरों की केयरिंग करेंगे। ये मैक्सिमम देखा गया है एंट्स में, बीज में, इन वॉस में। मतलब ये जो बीज वगैरह है ना, ये छत्ते में रहेंगे, खाई में रहेंगे, एंड ये वर्कर्स हमेशा इनकी सेवा करेंगे। ठीक है, इनकी ऑफस्प्रिंग की सेवा करेगी, फीमेल की तो करेगी करेगी, अपनी क्वीन की तो करेगी करेगी, बट अपने क्वीन के जो ऑफस्प्रिंग है उनकी भी केयर करेगी। ये यू सोशल इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आता है नेक्स्ट ग्रुप सेलेक्शन। ग्रुप सेलेक्शन में क्या होता है कि वो ग्रुप इज़ फेवर्ड ओवर अनदर ग्रुप बाय नेचुरल सेलेक्शन, मतलब कि ये एक साथ ग्रुप में रहते हैं। मतलब मंकीज़ का तो कॉमनली सबने देखा है कि वो झुंड में रहते हैं, वो ग्रुप में ही रहते हैं हमेशा, ग्रुपिज्म ही बना के रखते हैं। तो ये ग्रुप सेलेक्शन है, उनको लगता है कि वो ग्रुप में रहेंगे तो वो ज़्यादा फिट रहेंगे। ठीक है, प्रेडेटर्स जो होंगे उनके वो जल्दी से इजीली उनको हंट नहीं कर पाएंगे अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो। मतलब होता है ना, संगठन में शक्ति है, क्योंकि साथ साथ में रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से वो फिटेस्ट होकर सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल सेलेक्शन को भी फेवर्ड करता है ग्रुप सिलेक्शन, कि जितना ज़्यादा साथ में रहेंगे उतने ज़्यादा फिट रहेंगे, स्ट्रगल करने में इतनी मेहनत नहीं कर पाए करेंगे, और कंपटीशन भी इतना, जब ज़्यादा रहेंगे तो इन्हीं को रिसोर्स सबसे ज़्यादा मिलेगा।
इन्हीं को मीट सबसे ज़्यादा मिलेगी, इनके पास सबसे अच्छे रिसोर्सेज होंगे, इनके पास अच्छी टेरिटरी होगी तो मीट भी इनके पास सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या झुंड में रहते हैं, बहुत सारे अल्फा गामा कोई मंकीज ये जो होते हैं उनकी क्वींस होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वो झुंड में रहते हैं एक साथ। नेक्स्ट और लास्ट आता है रेसिप्रोसिटी, मतलब ग्रोथ प्रोवाइड फिटनेस, मतलब स्पीशीज ए स्पीशीज बी को और बी ए को फिटनेस देगी। अगर मान लीजिए कि ए स्पीशीज कभी किसी टाइम पे बी को बेनिफिट दे रही है तो बी भी जब ए को ज़रूरत होगी तो इसको बेनिफिट देगा, दोनों बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये था कुछ बिहेवियर इकोलॉजी का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।